हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राफिक नेस्ट। और ये जो मैं आज की वीडियो बनाने वाला हूँ, जो बेसिकली ग्राफ लेयर मास्किंग और वेक्टर मास्किंग के ऊपर है, तो ये मेरा फोकस पूरा इस वीडियो पे रहेगा कि जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता चले। तो वेक्टर मास्किंग और लेयर मास्किंग में डिफरेंस बेसिकली है क्या, तो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने देखिए एक विजुअल आपके सामने ओपन किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक देखिए बटन आ रहा है, ठीक है, एड लेयर मास्क। और देखिए मैं इस पर ऐड करता हूँ ना, तो आप देखेंगे पहले एक यहाँ पे थंबनेल आ रहा होगा, लेयर मास्क थंबनेल, ठीक है। जब मैं एक और एडिशन करता हूँ तो देखेंगे आप यहाँ पर वेक्टर मास्क थंबनेल होगा, ठीक है। मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। देखिए फ्रेंड, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मास्किंग होती क्या है। मास्किंग बेसिकली आपकी इमेज को सेव करती है, और जो भी काम होता है मास्क के ऊपर होता है। मास्क के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो, कलर करेक्शन वगैरह, और आप इसके कटआउट वगैरह सब चीज़ें से आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इमेज सेफ रहती है। जो भी काम होता है मास्क के ऊपर होता है। जैसे अब मैं इसमें देखिए एक कटआउट वाला पार्ट आपको बताने वाला हूँ, उसके थ्रू आप में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। तो आप जनरली जब पिक्चर कटआउट करते हैं, या कभी जो न्यू यूजर्स होते हैं जो पिक्चर को कटआउट कर देते हैं और उसको सेव कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो कटआउट वाला पार्ट है जो आपने रिमूव कर दिया है वो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन क्या है कि आपका लेयर मास्किंग में क्या है कि आपको उस पार्ट को आप कभी भी ला सकते हैं। जैसे फाइल सेव करके आपने बंद भी कर दी तब भी आपके वो पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वो दिखाता हूँ किस तरीके से आएगा, वो दोनों मास्किंग के थ्रू बताऊँगा और दोनों मास्किंग में डिफरेंस भी बताऊँगा, ठीक है। तो मैं आप सिंपल पहले एक ऐड लेयर मास्क करता हूँ। अब ये सिंपल लेयर मास्क है, ठीक है। लेयर मास्क देखिए, अब मैं ब्रश के थ्रू देखिए किस तरीके से मैं इसका ये पार्ट रिमूव करता हूँ, ठीक है। ब्लैक ऊपर रख लूँगा, ठीक है, और ब्रश चलाता हूँ, ठीक है। ओपेसिटी अभी कम है इसकी, मैं 100 कर देता हूँ। देखिए किस तरीके से आपकी पिक्चर रिमूव हो गई है, ठीक है। मैंने ये वाला पार्ट आपको ले आया हूँ, देखिए। तो कई बार क्या होता है कि इधर का मेरे को हल्का डिफ्यूज चाहिए, हल्का हल्का दिखना चाहिए। देखिए आपको अगर ये पार्ट सपोज कर आपने इतना पार्ट लाना है आपको वापस, तो आप वही है कि यहाँ पर उल्टा कर दीजिए, वाइट बस ऊपर रहेगा और आप ब्रश चलाते रहिए, ठीक है, आ जाएगा। देखिए तो देखिए, कभी आप देखिए कि इस टाइप के इफेक्ट आपके मैगजीन में या बुक में आपकी क्लाइंट की डिमांड होती, तो आप इस टाइप के इफेक्ट बना के ला सकते हैं, लगा सकते हैं। अब बस यही कि इसमें कंट्रोल आपके पास है कि आप इमेज का कौन सा पार्ट आपको दोबारा चाहिए नहीं चाहिए, आप ला सकते हैं। सपोज अगर ये लाना है तो देखिए आप ये आ जाएगा। अगर रिमूव करना है तो वही है कि बस आपका कलर की टॉगलिंग करते जाइए और आप इसे हटाते जाइए, ठीक है, ठीक है। बेसिकली ये देखिए कि आपका ब्रश के थ्रू ज़्यादातर ही कंट्रोल है इसका, और कम्प्लीटली देखा जाए तो ब्रश के थ्रू ही कंट्रोल है। पाथ के थ्रू आप इस पर खेल सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं आएगा। सपोज करो मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने ये देखिए इसका एक पाथ बनाया हुआ है, ठीक है। पाथ को मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, ये मैंने पाथ थोड़ा गलत बनाया हुआ है, देखिए। और मैं इसे सिलेक्शन करूँगा, कंट्रोल प्लस क्लिक करूँगा पाथ के ऊपर, सिलेक्शन हो जाएगा, सिंपल है, देखिए। और इसका रिवर्स ले लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई, और इस पर मैं वाइट ब्लैक फिल कर दूंगा, देखिए। लेकिन मेरा इसका पाथ पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इस पर पाथ पे कंट्रोल नहीं है, इसे ब्रश के थ्रू ही आएगा। मैं ब्रश के थ्रू चाहिए मेरे को, तो सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा, देखिए आप आ जाएगी इमेज, आ जाएगी। तो फ्रेंड, इसमें आपने देख लिया कि वेक्टर मास्क किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अभी डिफरेंस बताने के लिए मैं अब उसमें सॉरी ये लेयर मास्किंग के बारे में थी, लेयर मास्किंग किस तरीके से काम कर रहा है, और अब मैं वेक्टर मास्किंग का यूज़ करके दिखाऊंगा, तो आपको देखने किस तरीके से कम्प्लीटली डिफरेंस पता चलेगा। तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पाथ बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मैं थोड़ा पाथ गलत कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको समझाऊंगा आपको किस तरीके से आपके ऊपर कंट्रोल रहेगा। तो सिंपल है, बस आप पाथ पे क्लिक होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए पाथ का, और सिंपल इस पर कंट्रोल प्लस आप इधर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, जो मास्क बटन के ऊपर देखेंगे। अब मैं देखिए इस पर थंबनेल अपने आप देखो वेक्टर मास्क थंबनेल दिखा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो स्पून है वो गलत कटआउट है।
अच्छा एक चीज़ और है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे जब मास्क बटन के ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाएगा कि वेक्टर मास्क है, ठीक है। इसकी डेंसिटी आप ऊपर नीचे कर सकते हो फिलहाल देखने के लिए भी, और आप इस तरीके से इमेज को लगा भी सकते हैं, ऐसे नहीं। आपके अगर डिज़ाइन की डिमांड है आपके क्लाइंट की कि इस तरीके से मेरे को कोई चीज़ फोकस चाहिए और बाकी डिफ्यूज चाहिए, तो आप इसकी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको कटआउट के बारे में बता रहा हूँ। देखिए आप पाद आपका गलत कटा हुआ है, तो आप ये आप पाद आपका सेलेक्ट होना चाहिए। देखिए आप जैसे जैसे मैं इसको ठीक करूँगा उतना पार्ट आपका विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल किस तरीके से इसमें पाथ के थ्रू कंट्रोल होगा, देखिए आप देखिए। अब मेरे को ये बाउल चाहिए तो सिंपल है, फिर पाथ बना देता हूँ। देखिए अगर पाथ गलत हो गया या कुछ हो गया तो आपके पास कंट्रोल है, ठीक है। अब आपको ये पार्ट भी चाहिए सपोज करो, तो देखिए आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं आप, ये ब्रश के थ्रू नहीं। अब अगर इसमें देखो मैं ब्रश चलाता हूँ सपोज करो, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मैंने पास लग गया, देखिए कुछ नहीं हो रहा है, मतलब इसमें फिल हो जाए, वो कलर ही फिल हो जा रहा है, ये देखिए कलर ही फिल हो जा रहा है। तो उसमें देखा होगा आपने, अब जैसे मैं ब्लैक भी सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको, कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए इसमें ब्रश आपका पाथ उसको मास्क को कंट्रोल नहीं कर रहा, ये कलर फिल कर दे रहा है, ठीक है। तो मैं अब अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए पाद के थ्रू देखिए इमेज दोबारा आई, हमारे ब्रश के थ्रू तो नहीं आ पाई, ठीक है। ये सॉरी पाद सेलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है अब सेलेक्ट हुआ है। देखिए अब इमेज आएगी, देखिए किस तरीके से इमेज आपकी आ रही है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे डिफरेंस पूरा पता चल रहा होगा किस तरीके से ये पाथ के थ्रू कंट्रोल हो रहा है और ब्रश के थ्रू कंट्रोल हो रहा था। देखिए मैंने ये तीन पाथ बनाए और तीनों पाथ में इमेज दिख रही है। देखिए मैं डेंसिटी इसकी 100 कर देता हूँ, देखिए पिक्चर कट आउट हो गई। और देखिए अब वेक्टर मास्क का एक और मैं अच्छा यूज बताने वाला हूँ कि जनरली हम डिजाइनर कई बार एक्सपीरियंस डिजाइनर भी होते हैं जो इमेज को कटआउट करते हैं, उसमें देखेंगे कि इसमें पिक्सल देते हैं, ठीक है, उसको उसकी फीडिंग देंगे पिक्सल की ताकि शार्प ना आए, ठीक है। जैसे कि अभी शार्प है ये, ठीक है शार्प है, ठीक है। तो इसका देखो पिक्सल का कंट्रोल आपके पास ही रहेगा। जनरली हम क्या करते थे, पिक्सल जब हम डाल देते थे या सेव करके बंद कर देते थे कटआउट के बाद, तो उस पिक्सल पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता था, वो पिक्सल जितना सेट हो गया हो गया। लेकिन अब देखिए अब मैं सपोज करो कि एक पिक्सल देता हूँ, ठीक है, देखिए एक पिक्सल हो गया। मैं इसको देखो बढ़ाता घटाता हूँ, आपको डिफरेंस पता चलेगा, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के दिखाता हूँ, देखिए ठीक है। और मैं भी 2 का पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है, देखिए किस तरीके से इसके एजेस दिख रहे हैं, एजेस हमारे जा रहे हैं, देखिए। लेकिन इस पिक्चर की डिमांड ये कह रही है कि 2 पिक्सल ज़्यादा है, इसको 1 पिक्सल कर दीजिए, ठीक है। तो पिक्चर आपकी 1 पिक्सल पर कट हो गई है। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से सीखा होगा और आपको डिफरेंस पता चला होगा कि लेयर मास्किंग और वेक्टर मास्किंग में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से वेक्टर मास्क पाथ के थ्रू कंट्रोल होता है और पेन टूल के थ्रू कंट्रोल होता है, और वो किस तरीके से जो हमारा लेयर मास्क है ब्रश के थ्रू कंट्रोल होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको आपने पाथ जो भी मास्क है उस पर काम करना है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी चीज़ छूटी होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि उस कमेंट को क्लियर करूँ, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँ या आपको उसका जवाब दूँ या उसका आंसर से आपको सॉल्व करूँ। तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट कि मैं मोटिवेट रहूँ इस तरह की अच्छी वीडियो जो आपके नॉलेज को बढ़ाए वो बनाने के लिए हमेशा मोटिवेट रहूँ। तो थैंक यू।